अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं बना रही हैं मटन स्ट्यू। कुकिंग ऑयल डाला मैंने सबसे पहले, फिर इसमें मैंने दो बड़ी साइज़ की प्याज कट करके वो शामिल किया और उसको थोड़ा तल लिया। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का ब्राउन इसको तल लिया। ये स्पाइसेस मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर इसके प्याज के अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा, साबुत ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और तेज़पात का पत्ता शामिल किया और इसे भी थोड़ा तल लिया मैंने। फिर इसके अंदर मैंने एक टेबलस्पून के बराबर बारीक अदरक और लहसुन जो है वो इसमें शामिल किया बारीक चॉप करके, और ये हाफ के जी मटन है जो मैंने इसमें शामिल किया और फिर इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह, फिर इसमें नमक हसबे ज़ायका शामिल किया मैंने और फिर इसके अंदर मैंने स्पाइसेस शामिल किए, साबुत लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल कर दिया और शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स किया। और मसाले को मिक्स करने के बाद फिर इसमें दो दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कट करके वो मैंने इसमें शामिल किए, उनको भी अच्छी तरह मैंने इसमें भून लिया और फिर इसके अंदर 3 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया, फिर इसे मैंने कुकर में कुक करने के लिए रख दिया। कुकर में कुक करने के बाद इसका देख गोश्त अच्छी तरह गल गया, इसे मैंने भून लिया। फिर इसके अंदर मैंने 1 प्याला दही फेंट के इसमें शामिल किया और दही का पानी खुश्क होने तक इसे भूना मैंने। हाफ टी स्पून मैंने इसमें फिर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर इसे भून लिया अच्छी तरह और फिर भून के अदरक बारीक और 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके वो मैंने इसमें शामिल की और ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टू तैयार हो गया। तो यहाँ पे मामा बना रही हैं रोटियाँ। तो आज बाबा शाम को हमारे लेकर आए थे नमक पारे, जलेबियाँ और समोसे। तो लास्ट ब्लॉग में हम लोग ने शॉपिंग की थी तो वो ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ग्रीन पैंट ली है और ये शर्ट भी इसके साथ मैचिंग की ली है मैंने। तो ये वाली एमन आप ही ने लिए है और ये वाली भी बहुत प्यारी है, इसके ऊपर बहुत प्यारे से फ्लावर्स बने हुए हैं और इसका फ्लोर पैटर्न बहुत प्यारा है। तो ये एक और शर्ट लिए है और ये भी बहुत पसंद आ रही थी मुझे और एमन आपी को, लेकिन इसमें अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन लेगा। तो ये याया भाई की टी शर्ट ली थी। हम लोग ने परफ्यूम ही लिया और इसकी सेंट बहुत अच्छी थी। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।